उत्तर प्रदेश के समस्त बीएड, डीएलएड, बीटीसी, बीएड जिस तरह के जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक भर्ती से संबंधित कोर्स या डिप्लोमा कर रखा है उन सभी अभ्यर्थियों को पीएनपी ने अपने इस आदेश में बड़ी खुशखबरी दी है। जहाँ से क्योंकि समस्त अभ्यर्थियों के लिए 12 जुलाई 2021 को सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश पीएनपी ने अभी अभी जारी किया है। यह आदेश सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा जारी किया गया है और यह समस्त सचिव बेसिक शिक्षा अधिकारी को जहां परिषद को जारी किया गया है, समस्त प्रचार उप शिक्षा निदेशक जिला प्रशिक्षण संस्थान को जारी किया गया है, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 12 सात 2021 को यह आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में इस आदेश को पारित किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो 16 जून 2021 को यहाँ पर आदेश हुआ था, आदेश संख्या आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद एनसीटी ने 9/6 को जो आदेश किया उसके क्रम में 11/2/2011 के उपरांत जो भी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र की वैधता थी उसे रीवैल्यूएट करके यानी कि 5 वर्ष के स्थान पर आजीवन मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया था। उसी के क्रम में यहाँ पर पीएनपी ने कहा है कि उक्त शासनादेश दिनांक जो 16/6 को जारी किया गया था उसके निर्णय लिया गया है और निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण समस्त अभ्यर्थियों को पूर्व में जो निर्गत थे प्रमाण पत्र उनमें जो अंकित वैधता है और परीक्षा फल घोषित होने की जो तिथि है वो आगामी जो 5 वर्षों के स्थान पर रिवैलिड करते हुए आजीवन उसे मान्य कर दिया जाए। और कहा गया है, अवगत कराया गया है, इसे तुरंत यहाँ पर कार्यवाही इस पर की जाए और आदेश देख सकते हैं सचिव परीक्षा नियामक का। तो यानी यहाँ पर अपडेट ये है कि अभी तक जो आदेश हुए थे तो शासन के थे, अब पीएनपी ने कर दिया है। ऑफिशियली जो भी ऑनलाइन प्रमाण पत्र हैं उनकी वैलिडिटी अब लाइफ टाइम चढ़ जाएगी और सभी जो प्रमाण पत्र हैं अब लाइफ टाइम ऑनलाइन यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।